फिनोमिना होता है अब इसका एक कनेक्शन है लिंक है जिसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन के, के फिनोमिना में या उसके कॉन्टेक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक चीज देखते हैं सिम्टम्स हैं जो इकोनॉमी में रिफ्लेक्ट होते हैं कि जब सोशल इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्स और टेंशन अराइज करती है जहरी बात है जब ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस सेट इन होता है तो बहुत सारी जो एग्जिस्टिंग कंट्रीज होती है उनके लोगों को उनके इंडिविजुअल्स को उनके बिजनेस को फर्म्स को एक न्यू विजन मिलता है एक न्यू विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलती है एक न्यू सिस्टम आइडेंटिफाई होता है जिसका उनको पता चलता है तो पहले से नहीं होता अब क्या होता है कि उनको एक नए लाइफस्टाइल, एक नई इकोनॉमिक ग्रोथ का फिनोमिना नजर आता है और वो अपने आप को उसमें लेके जाना चाहती है वो चाहते हैं कि हम भी उतने डेवेल्प हो जाए जितनी एक डिवेल्प कंट्री है जितने डेवेलप कंट्रीज के फॉर्म्स हैं कंपनीज हैं इंडिविजुअल्स हैं जो जो रिसोर्स वो होल्ड करते हैं वैसे रिसोर्स हमारे पास में तो ये एक फिनोमिना जो कि क्रिएट करता है किस्म की इकोनॉमिक और सोशल इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट को सोशल कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाते हैं और इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्स भी आ जाते हैं और ये चीज एक टेंशन राइज करती है नाइनटीन में प्राइस एक्सप्लोजन हुआ यानी अगर हम देखें जो प्राइसिस जो है ओवरऑल वेरी किए वर्ल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड ग्लोबली तो ग्लोबल प्राइसिस जो है कुछ प्राइस हाइक हुई स्पेसिफिकली एक शॉर्ट पीरियड में तो बहुत ज्यादा प्राइस हाइक हुई ये जो 1960 का पीरियड है 70s का इसमें ये प्राइसेस बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे थे और इंक्रीज कर रहे थे इसने एक चीज और भी जनरेट की है कि एक, एक एंटी थीसिस थीसिस एंटी एंटी ग्लोबलाइजेशन जो है या ग्रोथ थीसिस यानी एंटी ग्रोथ थीसिस जो है उसको इसने प्रमोट किया एंटी ग्रोथ थीसिस क्या था कि एक तरफ जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो पॉवर्टी इंक्रीज करेगी डिजीजेस बढ़ेंगी लोगों को लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं होगी वो हेल्थ जो है उसकी मेंटेन करने के लिए कॉस्ट बियर नहीं कर सकते सोशल फ्रिक्शन जनरेट होगा पॉलिटिकल उप्रेशन जनरेट होगा तो ये सारे के सारे फैक्टर हैं जो कि एक एंटी ग्रोथ थीसिस को प्रमोट करते थे अब यहां पे इकोनॉमिस्ट ने एक्चुअली उस वक्त कोशिश की कि उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाए जो कि इस इन्फ्लेशन की काज है उसमें कुछ ने आइडेंटिफाई किया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है क्योंकि बहुत ज्यादा कंट्रीज जो है उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट आउट हो गया है खासतौर पर ग्रेट डिप्रेशन के बाद से जो स्वेशन मनी और वर्ल्ड वार्स के बाद से तो दूसरी तरफ मनी सप्लाई एक्सेसिव हो गई बहुत ज्यादा प्रिंटिंग करेंसी क्योंकि बहुत पहले तो गोल्ड स्टैंडर्ड यूज किया जाता था तो कंट्रोल ही नहीं होता था कि आप मनी सप्लाई इंक्रीज कर सकें तो जब से फिर करेंसी आ गई और गोल्ड बैकिंग खत्म हो गई तो मनी सप्लाई भी इंक्रीज होनी शुरू हो गई और उसने भी एक इन्फ्लेशन राइज करनी शुरू कर दी ट्रेड साइकिल जो थे डेवलपिंग कंट्रीज में जो बिजनेस साइकिल और ट्रेड साइकिल आ रहे थे वो भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट काज करना शुरू हो गया क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन हो रही थी कंट्रीज कनेक्ट हो रही थी तो डेवलपिंग कंट्रीज के जो अपस एंड डाउन थे वो डेवलपिंग कंट्रीज में भी डेवलप कंट्रीज के अप एंड डाउन डेवलपिंग कंट्रीज में भी ट्रांसमिट हो रहे थे हाई डिमांड फॉर रॉ मिटीरियल बहुत ज्यादा बूस्ट हो गई थी डिमांड रॉ मेटीरियल की क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रही थी डेवलप कंट्रीज में और वो डेवलपिंग कंट्रीज से बहुत ज्यादा रॉ मेटीरियर डिमांड कर रहे थे और जाहिर बात है उतनी तेजी से सप्लाई नहीं हो रही थी इसलिए तो प्राइसेस बढ़े थे फिर ये जो ब्रेकडाउन हुआ फ्लिप्स कर्व का जो एक ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट करता था इन्फ्लेशन में और अनएम्प्लॉयमेंट में कि अगर आपने इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगी वो बियर करनी पड़ेगी और अगर आपने इन्फ्लेशन को अनएम्प्लॉयमेंट को काम करना है तो फिर इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगी ये ट्रेड ऑफ भी कोलेप्स कर गया और स्टैग इफ्लेशन का स्टैग फ्लेशन का फिनोमिना अपीयर हुआ यानी अनुप्लॉयमेंट भी इंक्रीज कर रही थी और प्राइस या इन्फ्लेशन भी ग्रो कर रही थी तो इस चीज ने भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर दी उसके अलावा जो फिक्स एक्सचेंज रेट था वो बंडन खत्म हो गया उसकी वजह से जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में आ गया उसने भी बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया और करेंसी की वैल्यू को उस चीज के भी इन्फ्लेशन का इम्पेक्ट आ गया अब यहाँ एक पजल है जिसको हम ग्लोबल पजल के नाम से कह रहे हैं कि इम्पैक्ट क्या हुआ ग्लोबलाइजेशन का ऑन इन्फ्लेशन यानी इन्फ्लेशन को या इंक्रीज कर रही है ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन की वजह से इन्फ्लेशन कम हो रही है या ग्लोबलाइजेशन और इन्फ्लेशन आपस में इतने कनेक्टेड ही नहीं है इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है ये थोड़ी सी पिक्चर्स हैं डायग्राम्स हैं इनके जरिए आप करें कि इन्फ्लेशन जो है जो एवरेज एनुअल इन्फ्लेशन है ये दी हुई है से 2018 तक ये डिफरेंट की है। अगर आप इसको कंपेयर करें रेफरेंस ये दिया हुआ है यहां पे आप इसको डिटेल ले सकते हैं तो ये सिर्फ डायग्राम शो करने का परपज ये है कि आपको पता चले कि इस टाइम पीरियड में स्पेसिफिकली से ऑनवर्ड 70s, 80s में और किसी हद तक 1990 में, inflation, inflation बहुत हाई थी उससे पहले अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन सिर्फ नाइनटीन थर्टीन टू नाइनटीन नाइनटीन में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा स्पाइक तो बहुत हाई थे लेकिन उसके बाद इन्फ्लेशन बिल्कुल नेगेटिव रही या बहुत पॉइंट्स में रही दो डिकेट्स में और थर्ड डिकेट्स में थोड़ी सी इंक्रीज की उसके बाद फिर दोबारा डिक्रीज करके लेकिन यहां पर थोड़ी हाइक ज्यादा रही यही चीज आप थोड़ी सी देख सकते हैं क्यूमलेटिव इन्फ्लेशन में डिकेट वाइज तो क्यूमलेटिव में आपको पता चलेगा कि जेनुअली इन्फ्लेशन कितनी ज्यादा इंक्रीज कर गई थी वन और थ्री परसेंट तक राइज कर गई थी सेवेंटी एटी के रेंज में और 80 से 90 की रेंज में 64 परसेंट तो ये बहुत ह्यूज राइस था प्राइसेस में दूसरी तरफ अगर हम इन वैल्यूज को देखें रिसेंट जो टेबल है रिसेंट इन्फॉर्मेशन नाइनटीन टू और नाइनटीन की वैल्यूज को अगर आप कंपेयर करें तो वर्ल्ड की ओवरऑल वर्ल्ड की इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा नहीं है इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन का फिनोमिना अक्रॉस द वर्ल्ड इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं रहा जिसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत हो तो। डेवलपिंग कंट्रीज खासतौर पे जो डेवलप कंट्रीज हैं वो बेनिफिशरी है उनको वहां पे दे आर क्वाइट सक्सेसफुल टू कंट्रोल इन्फ्लेशन तो इसलिए वहां पे इन्फ्लेशन काफी ज्यादा लो है दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन है उधर इन्फ्लेशन रिलेटिवली हाई है लेकिन चूंकि वो ट्रांजिशन के प्रोसेस में है वो डिवेल्प हो रही है तो वहां पर आस्ता आस्ता ये लो होती जा रही है अगर आगे हम चलें डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ तो यहां पे असल प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है डेवलपिंग कंट्रीज की एवरेज इन्फ्लेशन ही 4% है जो कि क्वाइट हाई है क्योंकि अगर आप देखें अफ्रीका की तो वो सेवनटीन थर्टीन नाइनटीन नाइन एट यानी एट परसेंट से नीचे या सेवन परसेंट से नीचे तो नहीं गई और या उससे ऊपर ही जाती रही है और अब स्पाइक्स भी काफी हाई आती रही हैं जैसे थर्टीन परसेंट की उसके अलावा ईस्ट अफ्रीका है तो सेंट्रल अफ्रीका अगर हम एशिया की तरफ आ जाए तो ईस्ट एंड साउथ एशिया की देखें ईस्ट के साथ एशिया जो है बेहतर है अगर हम खाली साउथ एशिया को देखें तो साउथ एशिया में ये सिचुएशन आपको नजर आएगी साउथ एशिया में ये जो चुएशन है इन्फ्लेशन की ये हाई है अब इन्फ्लेशन जो है अगर ईस्ट एशिया को आप निकाल दें इसमें से तो यहां पे आप देखें वो 2.6 परसेंट या अराउंड 3 परसेंट तक जाती है लेकिन खाली साउथ एशिया में देखें तो 7 परसेंट फिर 5.5 परसेंट फिर 5 फिर 6 परसेंट तो ये अराउंड 6 परसेंट के रिवॉल्व कर रही है इंडिया में भी थोड़ी सी रिलेटिवली डिक्रीज की है लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन का फिनोमिला वहां पर ज्यादा है तो ये एवरेज वैल्यू है एवरेज वैल्यू का मतलब है कि उन सारी कंट्रीज का जितनी भी उस पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल करती है उनकी एवरेज इन्फ्लेशन तो इसका मतलब है कि लीस्ट डेवेल्प कंट्रीज जो है उनको सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम है डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनकी प्रॉब्लम रेलटिवली लो चुकी है डेवेल्प कंट्रीज में ये बिल्कुल प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती इन्फ्लेशन की तो अब ये चीज बेसिकली इजील लर्न किया जा सकता है कि जो डेवलप कंट्रीज है जब वो डेवलप हो जाएंगी डेवलपिंग कंट्रीज तो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम खुद बहुत खत्म हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्शन एक्सपैंड जाएगी इसी तरह लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज जब वो मजीद इनकम और रिसोर्सेज को ग्रो करेंगे तो उनका भी इन्फ्लेशन का इकनोमि खत्म हो जाएगा तो ये एक पॉजिटिव स्न भी है